दामाद होगा तो बुरा नहीं मानेगा वैसे। अच्छा दामाद कहते किसे? जिसको देख करके दम फूलने लगे वही दामाद है, जिसको देख के दम फूलने लगे। माताएं बेचारी परेशान हो जाती बेचारी। अच्छा कोई कोई दामाद ऐसे होते महाराज, घर पे भले सूखी रोटी न मिले लेकिन ससुराल में घी से बिल्कुल नीचे बात ही नहीं होगी। कोई दामाद ऐसे होते कि हमारे पांव नहीं धुला उस पर भी नाराज हो जाएंगे। बताओ हमारे पांव ही नहीं धुले। और कहीं अगर घर में विवाह पड़ जाए महाराज, हुई आफत। अब विवाह में सासू मैया सोचे कहीं ऐसा ना हो दामाद जी आए नाराज हो जाए, हमारे विवाह में तो इतना ही मिला, इनके विवाह में इतना कैसे। तो मैया को तो दोनों तरफ संभालना है, दोनों तरफ करना है। फिर हमारे उधर यूपी में एक उपाय निकाल लिया। उपाय जानते हैं? दामाद जी को खूब बढ़िया से बुलाया जाता है, बड़ा आवभगत सेवा सत्कार किया जाता है। उसके बाद जानते हैं क्या होता है? ससुर जी जा करके धीरे से दामाद जी के पास बैठते हैं और कहते हैं दामाद जी एक बड़ी विशेष बात करनी है आपसे। क्या बात करनी है? कहा हम सोच रहे हैं आपको कोषाध्यक्ष बना दिया जाए। कोषाध्यक्ष मतलब निमंत्रण लिखना है आपको। अब दामाद जी भी खुश हो जाते कि बताओ हमको पैसे का ही मालिक बना दिया गया। अब दामाद जी बैठ करके जब से विवाह शुरू होता है शाम के 3 बजे से निमंत्रण लिखना शुरू करते हैं और रात के 2:30 बजे तक निमंत्रण लिखते ही रहते हैं। और जब तक वो निमंत्रण लिख के उठेंगे तब तक विवाह हो गया। और दामाद जी को देखने का कहाँ टाइम है, तब तक जा करके खुद ही थके हारे रहते सो जाते। बढ़िया उपाय है वैसे।